गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। गाइस, अभी नहा धो के हो गए हैं, तैयार एकदम फ्रेश हो चुके हैं और अब जाएंगे नीचे, करेंगे हम लंच वगैरह, कुछ खाना भी ना खाएंगे, उसके बाद लगेंगे लाइन में दर्शन के लिए। अब दर्शन के लिए 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। और वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है तो फ़ोन रख देंगे, ठीक है, गेट तक तो वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल हैंडसम सर का ब्लॉग। लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर। तो भाई, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए और गेट नंबर 7 से एंट्री होगी हमारी। 7 किधर से है यार? फौरन गए थे क्या रे? हम ये मंदिर तो जस्ट बाहर में ढूंढा। तो ऋषभ जा रहा है नंगे पैर और मैंने मना भी किया, फिर भी नंगे पैर जा रहा है। पैर जल रहे थे उसके बहुत ज़्यादा। तो हमने पूछा, उन्होंने बताया कि भाई गेट नंबर 7 पे ही आप जा सकते हो। ये देखो भाई, बाबा जी की भव्य मूर्ति। भीड़ काफ़ी है वैसे तो, यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है भाई, काफ़ी क्या है ना। तो भाई गेट नंबर 6 पे अभी पहुंचा हूँ और गेट नंबर 7 से जाना है मुझे। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों भाई, बीच बीच में तो लोग 6 से भी जा रहे हैं। ऋषभ पेड़, अच्छा, पैसा और जरूरी चीज वस्तु थोड़ी सी मांगे। सो गाइस, अभी अंदर जा रहा हूँ और अभी फोन रखूंगा, अभी थोड़ी देर बाद जब बाहर आऊंगा तब आपसे बोलता हूँ। सो गाइस, दर्शन हो गए मेरे और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था बाबा खुद ही मेरे को बुला रहे हैं, अभी आ जाओ फटाफट। तो दर्शन हो गए, अभी निकल रहा हूँ होटल। भाई, जो बाहर से भक्तजन आते हैं, ये देख लो ये रेट लिखा हुआ है और यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर लो, पढ़ लो, यहाँ पे आके आप उस हिसाब से रूम वगैरह ले सकते हो। तो गाइस, ये है साईं बाबा और यहाँ पे तो उनका स्टेचू बना हुआ है। दर्शन हो गए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था इसलिए। तो भाई, यहाँ पे दर्शन हो गए, बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया। अब एक और बाबा जी हैं, उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से शायद 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर है, तो चलते। अब किधर चलना है, लोकेशन लगाओ। तो फाइनली भाई रूम छोड़ दिया, बहुत अच्छा रूम था, 5-स्टार होटल से भी अच्छा रूम था। रूम छोड़ दिया, अभी निकल रहे हम इधर। इनको पूछो ना भैया, रूम मेजी का पार्किंग करेंगे। भुवनेश्वर जाने के लिए रास्ता किधर से, कहाँ जाना है? उधर से, इधर से 10 किलोमीटर जाना, फिर राइट जाना। अच्छा, वो ब्रिज के पास से क्या, औरंगाबाद की तरफ? 15 किलोमीटर के आसपास, 12-15 किलोमीटर। थैंक यू सर, क्योंकि आपको गाड़ी नहीं जाने देंगे।
यू टर्न मारने का, सीधा 15-16 किलोमीटर जाने, उसके बाद हम औरंगाबाद वाला रोड राइट मारते, उसके भी नीचे से जाने का, बड़ा वाला एक समृद्धि वाला, उससे नीचे आगे जाने शाम को बारिश भी होने वाली है, हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, शाम को बारिश भी होने वाली है, तो देख लेंगे। चलो मेरी राम प्यारी, अरे सब पेट्रोल डालूं? हाँ बना लो, भाई मैं जा रहा हूँ औरंगाबाद, और ये जो नदी है ये है गोदावरी, गोदावरी नदी, और पूरी सूख चुकी है, पानी बहुत कम है भाई, बारिश होगी तो नदियाँ भरेंगी, पूरी सूख चुकी है। अब मैं औरंगाबाद क्यों जा रहा हूँ, पहले मैं शिरडी में मैंने बाबा के दर्शन किए, अब औरंगाबाद जा रहा हूँ, वहाँ भी एक बाबा हैं जो बरसों से विराजमान हैं, और पता नहीं कितने सालों, कितने हजार सालों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो अभी मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी चलिए, आपके भी दर्शन हो जाएंगे। अब इतना हिंट दे दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो गूगल पे सर्च कर। कहीं भी लेके जाने के लिए तैयार है, वीडियो वीडियो कोई वायरल होते नहीं है, लोग देखते नहीं है, फिर भी होता है, चलो वीडियो बनाने जाएंगे बाइक पे। ओम के पकोड़े बन गए बैठे बैठे,
फिर इधर दिखा रहे हैं। तो भाई गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर ली और अभी हम पी रहे हैं ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस। ये दुकान है, ऋषभ बोल रहा है थोड़ी देर बाइक रोक लेते हैं क्योंकि बाइक को भी रेस्ट मिल जाएगा और हम लोग को गन्ने का रस भी है ना। तो आ गए यहाँ पे ताज़ा ताज़ा गन्ने का रस। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम लोग और रूम ले लिया है होटल में और हमारा रूम नंबर है 104। वाओ, और ये हमारा रूम है डबल बेड। तो भाई तैयार हो गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन करने के लिए क्योंकि 9 बजे नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। तो अभी दर्शन कर लेंगे, सुबह के भरोसे नहीं रहेंगे, क्या पता आँख खुलेगी कि सोए रहेंगे 9 बजे तक, सही है ना। तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा, 350 किलोमीटर बाइक की राइड की आज, 10 घंटे पूरे बाइक चले। हालत ख़राब हो गई, दिख रहा था और देखो अभी कैसा दिख रहा है। रूम की हालत खराब, ये देखो चड्डा बिड्डा किधर किधर फेंका है, पानी मुंह से मत निकालना। तो गाइस सामने है देखो ये मंदिर है और दर्शन हो चुके हैं मेरे श्री गृहेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। और ऋषभ ने यहाँ से सामान ले लिया, बहुत खुले डुले दर्शन हुए, मज़ा आया। हर हर महादेव, कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। ये है मंदिर। तो भाई दर्शन करके आ गए और सच्ची बताऊं भाई, ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरे बेटे ने जिद की और यहाँ पे आए ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये है गृहेश्वर। तो एकदम खुले डुले दर्शन हुए शिवलिंग को, मजा आ गया दर्शन करके, यानी हाथ लगाने को भी मिला मुझे, हाथ लगाने के हाथ लगा के उधर खड़ा था मैं, सब पैसा भगा रहे थे चलो चलो, मैं हटा ही नहीं, हट जाओगे तो फिर आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ, मन को शांति मिली, मन तृप्त हो गया, ऐसा लग रहा है कि हमारी राइड थकावट दूर हो गई ना, सच में थकावट दूर। एक बोलते हैं पॉजिटिव वाइब आगे, एक शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। चलिए अगर आपको कभी टाइम मिलता है तो आप भी आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कैसे कैसे, लेकिन बहुत बाइक से मत आना, गाड़ी वाड़ी लेकर आना, कार हमारे जैसे पागल लोग बाइक से जाते हैं, कार लेके आना, कार बहुत लंबी राइड है। और गाइस अगर आपके पास टाइम है, हमारे पास फिलहाल टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो जाओ गृहेश्वर सुबह सुबह, और सुबह सुबह ही मतलब 5 या 6 बजे गृहेश्वर घूम लो 7 बजे तक, और उसके बाद फिर एलोरा केव चले जाओ, एलोरा केव 8 बजे खुल जाता है, एलोरा केव जाओ, एलोरा घूमो, एलोरा में कैलाश टेम्पल है करके उधर जाना। हम लोग के पास एक्चुअल में कल टाइम रहेगा बट कैसे है ना, बंद है कल एलोरा, कल बंद है
चालू रहता तो जाते। मैं आपको होटल भी सजेस्ट कर दूंगा, जिस होटल में हूँ बहुत अच्छा होटल है, सर्विस एकदम रीजनेबल रेट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो भाई हमने होटल में ही खाना ऑर्डर कर दिया था, बहुत अच्छा खाना आया, खाना अच्छा लगा, बहुत अच्छा 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 ठीक है। तो चलो हम लोग खाना खाते हैं फिर आराम करते हैं, आ जाओ आप भी खाना खाने के लिए, जल्दी आना, खत्म।